हेलो बच्चों, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी सीपीटी के लिए। एक और वीडियो है सर सीपीटी वाले स्टूडेंट्स के लिए, ज़रूर सारी वीडियो देखिएगा। और ऑल्दो मैं सीपीटी को कोचिंग नहीं देता, बट हाँ मुझे लगता है कि सर अगर स्टूडेंट्स को गाइडेंस मिले तो वो ज़रूर 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 कामयाब होते हैं। और उसी के चलते पूरी कोशिश है कि आप लोगों को कुछ सीपीटी के बारे में हम अच्छी बातें बता पाएं। तो ये लाइन पढ़ते हैं सर, इस लाइन में देखते हैं क्या लिखा है। इस लाइन में सिंपल सी बात लिखी है, इवन इफ यू डोंट नो द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन, यू कैन स्कोर फुल मार्क्स इन द क्वेश्चन यूजिंग योर कॉमन सेंस एंड एजुकेटेड गेस। तो अगर सर आपको आंसर नहीं भी आता, इवन इफ यू डोंट नो द आंसर, यू कैन स्कोर द फुल मार्क्स इन दैट क्वेश्चन यूजिंग योर कॉमन सेंस एंड एजुकेटेड गेस। तो सर अगर आप अपना एक अच्छा सा एजुकेटेड गेस अगर लगा के आए तो सर तब भी आप पूरे नंबर स्कोर कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर जो आपको नहीं आता था, राइट। अब सर ये कैसे होगा आइए देखते हैं। स्ट्रैटेजी फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सर आप इस लाइन को भी बहुत ध्यान से देखिएगा, समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट द क्वेश्चन विच मेक्स इट हार्ड, इट्स द ऑप्शन विच मेक्स इट हार्ड। सिंपल सी बात है सर, ये आपका क्वेश्चन जो क्वेश्चन नहीं है सर जो आपको हार्ड हार्ड बनाता है सर, ये ऑप्शन है उस क्वेश्चन के जो उस क्वेश्चन को क्या बना देती है हार्ड, राइट। तो सर ध्यान से देखिएगा कि कैसे ऑप्शन आपके ये सरदर्द हो सकते हैं। आइए तो हमें सर इसके लिए यूज करना पड़ेगा एक छोटा सा मेथड, और वो है एलिमिनेशन मेथड। चलिए हम एक बेसिक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। मैं फरीदाबाद में रहता हूँ सर, आईसीएफ फरीदाबाद और सेक्टर 15 की मार्केट, अगर जो लोग फरीदाबाद या आसपास रहते हैं वो जरूर जानते होंगे कि इन दिनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। ओके, मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। पहला ऑप्शन 4 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन 55 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन 1 मीटर, चौथा ऑप्शन 5 सेंटीमीटर। अगर आप फरीदाबाद में नहीं भी रहते ना तो भी आप गेस कर सकते हैं कि सर यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा। चलिए मेक अ गुड गेस, 4 किलोमीटर, 55 किलोमीटर, 1 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। आपने अपने कॉमन सेंस, अपनी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेस पे आपने गेस करना है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि सर आपका गेस जो है वो बिल्कुल ठीक होने वाला है। तो लेट्स सी क्या है आपका गेस। आंसर इज 4 किलोमीटर। आई एम एक्सपेक्टिंग कि सर आप में से ज्यादातर लोगों ने यही आंसर दिया होगा, 4 किलोमीटर ही आंसर दिया होगा। पक्की बात है सर 55 किलोमीटर? अरे फरीदाबाद खत्म हो जाएगा। 1 मीटर? 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, ओ माय गॉड। तो हमने देखा सर कि क्वेश्चन टफ नहीं था और ऑप्शन तो बिल्कुल भी टफ नहीं थे। अगर ऑप्शन में कुछ ऐसे देता कि सर डिस्टेंस बिटवीन आईसी फरीदाबाद एंड सेक्टर 15 मार्केट इज सेक्टर 15 मार्केट इज, थोड़ा सही कर लीजिएगा, मार्क्स लिखा हुआ है सेक्टर 15 मार्केट इज 4 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर एंड 4.58 किलोमीटर, 4.12 किलोमीटर। अब बताओ सर, अब बताओ गेस क्या है आपका। देखा, तो इट्स नॉट द क्वेश्चन विच इज टफ, इट्स द ऑप्शंस विच मेक इट टफ। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है सर। अब इसका हम कैसे यूज करने वाले आगे चलिए देखते हैं। सो मैं आपके सीपीटी लॉ का एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। एक्टिव पार्टनर इज वन हु टेक्स पार्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म, एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन को-करिकुलर एक्टिविटीज, एक्टिवली शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एंड मेक्स अ शो ऑफ अथॉरिटी। देखिए आपने इसमें से एलिमिनेट करना है चीजों को कि क्या क्या नहीं हो सकता। चलिए मैं एलिमिनेट करने में आपकी मदद करता हूँ। ओके, टेक्स पार्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म, ठीक है हमने पढ़ लिया, हमें कुछ इसके बारे में कुछ क्लैरिटीज ही नहीं आ रही, लेट्स सी क्या होता है। एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन को-करिकुलर एक्टिविटीज, ओके, जो फर्म ने स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करवाए, चेस की गेम रखवाई, बैडमिंटन की गेम रखवाई, क्रिकेट की गेम रखवाई, एक्टिव पार्टनर उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, हटा दो भाई, ठीक है ना। देन थर्ड, एक्टिवली शेयर्स प्रॉफिट ऑफ द फर्म, सिर्फ एक्टिव पार्टनर ही प्रॉफिट शेयर करता है या सारे पार्टनर? सारे पार्टनर, राइट। सर इसको भी हटा दें। मेक्स अ शो ऑफ अथॉरिटी, तो एक और इन्होंने कारण लिखा है कि सर मेक्स अ शो ऑफ अथॉरिटी, ओ माय गॉड, मतलब एक्टिव पार्टनर अपने कॉलर थोड़े से ऊपर चढ़ा लेता है और फर्म में चलता है, ए भाई लोग आ गए हैं क्या बात कर रहे हो सर, कम ऑन यार। तो सर ये भी एलिमिनेट हो गया। इन तीनों अगर आपने एलिमिनेट कर दिया, अगर आपको आंसर नहीं भी आता था, आपने अपनी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज कॉमन सेंस के बेस पे एक अपना एजुकेटेड गेस बनाया और सर आपने उसका आंसर निकाल के मेरे सामने रख दिया कि सर जी यही है एक्टिव पार्टनर हु टेक्स पार्ट इन द बिजनेस ऑफ द राइट। ओके नाउ मैं आपको कुछ और इसके एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। एलिमिनेशन मेथड पे हम चर्चा करेंगे। एलिमिनेशन मेथड हमने क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड में यू नीड टू सिंपली एलिमिनेट एज मेनी ऑप्शंस एज पॉसिबल यूजिंग योर कॉमन सेंस एंड योर प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस। योर कॉमन सेंस, प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस, जो आपने पहले नॉलेज ली है, अभी तक आप लोगों ने जरूर कुछ ना कुछ पढ़ाई करी है सर, 11th 12th 10th
और साथ ही साथ आपका एक्सपोजर रहा इस वर्ल्ड के साथ के चीजें कैसे काम करती हैं, तो उनका यूज करते हुए सर आपने क्या करना है, एलिमिनेशन करना है. राइट, ओके. देन इसमें बात, इफ यू कैन एलिमिनेट वन ऑप्शन देन अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन फॉर श्योर. कल मैं आपको बता रहा था ना कि सर हमने 185, 170, 200 क्वेश्चन करने हैं, वो वीडियो जरूर देखेंगे. उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में जरूर है, आप उसको देखिएगा. ओके, तो सर अगर आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें चार ऑप्शन है और आप एक एलिमिनेट कर सकते हैं उसमें से, सो अगर आपके पास एक क्वेश्चन आया जिसके अंदर कितने ऑप्शन हैं, चार, और आप एक एलिमिनेट कर सकते हैं, तो सर मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि उस क्वेश्चन को आप जरूर 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 करके आइएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के ठीक होने के जो चांसेस हैं अप्रॉक्सीमेटली 33% चांस है कि आप सही करके आएंगे क्वेश्चन फॉर श्योर. क्योंकि सर चार थे, चार में से आपने एक एलिमिनेट कर दिया, तीन बच गए, तीनों में से एक करेक्ट है. अब आपको एजुकेटेड गेस बनाना है, और जैसे ही आपने ये किया सर आपका आंसर ठीक. अब भगवान की दुआ से अगर आपके दो एलिमिनेट हो गए उस क्वेश्चन के ऑप्शंस में से, तो सिर्फ ये दो ही हैं जो आंसर हो सकते हैं. राइट, ओके. नाउ इसके बाद सर आपको एक दो क्वेश्चन और दिखाता हूँ. देखिए कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन, जी पेड रुपीज 1 लाख टू एच टू इन्फ्लुएंस द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. अच्छा, जी ने 1 लाख रुपए की रिश्वत दी है, मोटी मोटी बात. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड हिम सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड हिम सम एम्प्लॉयमेंट. ऑन हिज फेलियर टू प्रोवाइड द जॉब, जी सूड एच फॉर रिकवरी ऑफ द अमाउंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. लो जी, तो हुआ क्या कि सर आपने, जी ने एक रिश्वत दी है सर एक डिपार्टमेंट के हेड को जॉब दिलवाने के लिए, और डिपार्टमेंट का हेड जॉब नहीं दिलवा पाया, तो सर आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या जी, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? ओके, डोंट थिंक यू आर अ सीबीडी स्टूडेंट, थिंक किसी को आपने सर रिश्वत दी है तो सर क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है? नहीं. आपकी बात, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, ये ऑप्शन लग रहा है, ये लग रहा है अभी नहीं, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एज इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड जी कैन नॉट, हाँ जी, जी कैन नॉट वॉट रिकवर. आगे देखते हैं, जी कैन रिकवर द अमाउंट विद इंटरेस्ट. वाह, कॉमन नॉलेज, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी है, एंड जी कैन रिकवर द अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख एंड डैमेजेस. लो जी, तो सर देखिए मुझे तो साफ साफ क्या नजर आ रहा है, कुछ चीजें मुझे एलिमिनेट होती नजर आ रही है, जैसे कि डी ऑप्शन, सी ऑप्शन. देखो मैंने जैसे डी और सी एलिमिनेट कर दिए, 50% चांस है क्वेश्चन ठीक होगा, और मुझे ए भी बिल्कुल क्लियरली एलिमिनेट होता हुआ नजर आ रहा है. सो आंसर मेरे लिए क्या बन जाएगा सर, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एज इट इज अपोज टू वॉट, पब्लिक पॉलिसी. तो यही मैं टिक करके आ जाऊंगा, दैट विल बी द राइट आंसर, एंड इसको फुल मार्क्स, चाहे मैंने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो. राइट, ओके. मैच द फॉलोइंग सर, मैच द फॉलोइंग बहुत इंटरेस्टिंग है सर लॉ के अंदर. समझ लीजिए चार क्वेश्चन आई है, चार चीजों को मैच द फॉलोइंग है, एंड बहुत इजी वाला टॉपिक पिक है. कोर्जन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन. अगर मुझे कुछ भी नहीं आता मैं फ्रॉड को पकड़ूंगा, क्योंकि ये वर्ड एक कॉमन आदमी ने बहुत बार सुना होता है, कौन सा, फ्रॉड. ओके, अब जैसे मैंने फ्रॉड को पकड़ा, फ्रॉड में देखिए सर मेरे पास क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं. इन्वॉल्व मॉरल प्रेशर, आपने सुना है कभी फ्रॉड के टाइम मॉरल प्रेशर बनाया गया हो? नहीं. पर्सन मेकिंग फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, इसको सर देखते हैं, पर्सन मेकिंग फॉल्स रिप्रेजेंटेशन डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू. किसी ने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दी और वो उसे मानता था कि ये ट्रू नहीं है, तब भी उसने वो रिप्रेजेंटेशन हमें दी. इन्वॉल्व फिजिकल फोर्स, फ्रॉड में फिजिकल फोर्स नहीं. The person making false representation believes it to be true. आपके दोस्त ने आपको बताया है कि जिस लड़की को आप अपनी पोटेंशियल, जिस लड़की के अंदर अपनी पोटेंशियल गर्लफ्रेंड देखते हैं, उसका एक भी भाई नहीं है. आपका दोस्त भी यही मानता था कि उसका एक भी भाई नहीं है, तो उसने सर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दी, बट ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू. ओके, इधर देखते, पर्सन मेकिंग फॉल्स रिप्रेजेंटेशन डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू. आपके दोस्त ने आपको बताया कि उस लड़की का एक भी भाई नहीं है, जबकि उसे पता था कि उसके चार भाई हैं. आप बताएं सर कौन सा वाला इसमें से फ्रॉड लग रहा है. ओके, एक मैच कर दो, कौन सा वाला इसमें से फ्रॉड लग रहा है, ए बी सी डी. देखो जी, मोरल प्रेशर तो होता नहीं फ्रॉड में, धोखाधड़ी होती है फ्रॉड में, तो इसको हटाओ. फिजिकल फोर्स भी मैंने नहीं सुना सर फ्रॉड में होती है, इसको जी हटा दो. अच्छा, बिलीव इट टू बी ट्रू, जब सामने वाला बंदा उसे सही मान रहा था, उसे सही मानते हुए आपको इन्फॉर्मेशन दी, तो वो फ्रॉड नहीं है सर. तो ये हट गया, यानी सिर्फ एक ये हट गया. ओके, तो ये हमारा सर एक चीज हमने इसमें से निकाल ली कि सर फ्रॉड क्या है. अब बस कोर्जन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ऐसी बातें बच गई. मिसरिप्रेजेंटेशन की तरफ देखें जरा. ओके, मिसरिप्रेजेंटेशन वाला केस लग रहा है कि सर जब आप किसी को कुछ बता रहे हैं और आप मानते हैं कि ये ट्रू है और आप बता रहे हैं लेकिन वो एक्चुअली में ट्रू नहीं है, तो सर वो क्या हो जाएगा, मिसरिप्रेजेंटेशन. सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से,
कि सर अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो सर आप बहुत ज़्यादा आराम से ये सारे क्वेश्चन सीपीटी के लेवल के सॉल्व करके आ सकते हैं, एटलीस्ट कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल नहीं आते वो सॉल्व करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। ओके, नोटा, व्हाट इज नोटा? नन ऑफ द अबव। सर अगर आपके आंसर में नन ऑफ द अबव है तो मैं बोलूंगा कि सर इसके आंसर होने के चांस कम है, ये आपका आंसर होगा नोटा, इस बात के चांसेस बहुत कम है। क्यों? सर साइंटिफिकली प्रूवन है, आप लोग गूगल सर्च कर सकते हैं, विकिपीडिया या कोई भी ऐसा सर आप स्टडी सर्च कर सकते हैं जहां पर भी नन ऑफ द अबव होता है, अप्रोक्सीमेटली सर 20-21% चांस होते हैं कि ये आंसर होगा, जबकि सर ऑन एन एवरेज एक आंसर के पास 25% मौका होता है उस आंसर को रेलिवेंट आंसर बनने का, बट सर नोटा का सिर्फ 20-21% चांस होता है, राइट? ऐसे ही अगर मैं देखता हूँ सर अपना अगला जो हमारे पास बहुत फेवरेट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, इसके चांसेस बहुत ब्राइट हैं सर कि ये आंसर होगा। ऑल ऑफ द अबव के चांसेस ज़्यादा ब्राइट हैं, अगर आप स्टडी देखें, अगर आप रिसर्च देखें लोगों का, तो सर इसके चांसेस हैं कि 32-35% चांसेस हैं कि सर आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो जब आप एलिमिनेशन मेथड लगाएं, ध्यान रखिएगा ऑल ऑफ द अबव को एलिमिनेट करने से कम 3-4 बार एक्स्ट्रा सोचिएगा कि ऑल ऑफ द अबव के चांसेस नॉर्मली ज़्यादा हैं। ओके, सो कमिंग टू द पॉइंट सर, अगर आप एलिमिनेशन मेथड के बारे में कुछ बात करें छोटी सी, तो 2-3 चीज़ें हैं सर जो आपने ध्यान में रखनी है, और वो क्या चीज़ें हैं आइए मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। नंबर 1, नेगेटिव मार्केट से डरना नहीं है बिल्कुल भी, कोई पैटर्न नहीं होता सर क्वेश्चन में, कहीं ऐसे ना सोचने लग जाना ए बी सी या अल्लाह अब तो डी होगा, वो शाहरुख खान देखे ना चक दे इंडिया वाला, नहीं वैसे बिल्कुल नहीं सोचना है। देन बी बी बी, भाई अगला भी बी होगा पक्की बात, अरे भाई जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। देन रीड द क्वेश्चन केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट सर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए, लुक फॉर वर्ड्स लाइक नॉट, क्वेश्चन में नॉट वर्ड लिखा आ गया ना सर, समझ जाना कि क्वेश्चन में सर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और उसको नॉट वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि सर नॉट वर्ड आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है अगर हम नहीं पढ़ा तो, राइट? करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये सारी बातों पर बच्चों बहुत ध्यान दीजिए अगर आप लोग सीपीटी में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो। ओके, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई, आई होप आपने इसमें से कुछ सीखा, और सीखा तो सर अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा, इस वीडियो इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट सर, आप लगभग 15-20-30 क्वेश्चन, शायद उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन करके आ सकते हैं अगर आपने सर इस वीडियो को ढंग से देखा समझा, और वो 15-20-30 क्वेश्चन जो मैं बात कर रहा हूँ ये वो होंगे जो आपको नहीं आते थे, और तब भी आपके पावर आ गई इनको सही करने की, राइट? सो स्टे पॉजिटिव, स्टे अहेड, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, लव यू ऑल।